हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं टेक्निकल अवे आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक एक्साइटिंग सी वीडियो, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑलिम ट्रेड की एक बेहतरीन और एक्साइटिंग सी स्ट्रैटेजी, जिसके बाद आपकी विनिंग रेशियो जो है बहुत ही अच्छा इंप्रूव होने वाला है ऑलिम ट्रेड पे। गाइस, जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं और ये जो ट्रेड देख पा रहे हैं मैंने लिए $100 की, किस तरीके से ग्राफ नीचे गया और किस तरीके से हम ये ट्रेड जीत रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और इसी के बारे में बताऊंगा कि क्या एक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मैंने ये ट्रेड ली थी और आप भी सेम टू सेम वैसा ही कर सकते हैं। उससे पहले क्या करना है यार, सबसे पहले बताना चाहूंगा, चैनल पे बिल्कुल न्यू है, चैनल पे अगर पहली बार हैं आप तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि यार आने वाले टाइम पे बहुत सी एक्साइटिंग सी वीडियोस आने वाली हैं जो आप मिस करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अभी हो जाना है ज्वाइन। और बताना चाहूंगा, अगर ऑलिम ट्रेड पहली बार देख रहे हैं, इंटरफेस पहली बार देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा आपको कि कैसे यहां से पैसा कमाया जा सकता है, तो प्रीवियस वीडियोज आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आप चेक कर पा रहे हैं, ये इंटरफेस जो चेक पा रहे हैं ऑलिम ट्रेड का है, ऑलिम ट्रेड का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बताना चाहूंगा ये स्ट्रेटजी वर्क किस तरीके से करती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो ग्राफ पैटर्न आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ पैटर्न से आपको जो कैंडल्स हैं उसमें जैपनीज कैंडल स्टिक्स पे क्लिक कर देना है। यानी इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली। और आपको जो है ग्राफ में, अगर आपको समझ आ जाए तो आप ग्राफ पे प्रेफर करो, बट मेरा ये मानना है कि जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बायर्स और सेलर्स को हम अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपको करेंसी ले लेनी है, ठीक है। अब इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आपको जाना है, SMA पे आपको क्लिक करना है। SMA पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की लाइन आ जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे एक पेंसिल का सा निशान आ रहा है, इस पेंसिल के से निशान पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 10 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आपको 10 से 7 कर देना है। कलर को आपको येलो कलर बाय डिफ़ॉल्ट होगा, इसको आपको ग्रीन कर देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप को देखना यार, लास्ट तक देखना, मज़ा ज़रूर आएगा। और डेफिनेटली मज़ा नहीं आया तो यार वीडियो को डिसलाइक करके जाना, बट अगर मज़ा आया अप्लाई करना स्ट्रेटजी, अगर आपको अच्छी लगी और वर्किंग है स्ट्रेटजी, विनिंग कर रहे हो तो लाइक कर देना यार वीडियो को। तो अब पहली स्टेप आपने कर ली है, लास्ट तक देखोगे तभी समझ आएगी फ्रेंड्स, बीच में स्किप मत करना यार वीडियो को। अब दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको करना क्या है। दूसरा स्टेप, SMA हमने एक अप्लाई कर दिया है 7 के लिए, दूसरे में SMA पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक और SMA आ जाएगा, इस पर आपको पेंसिल है, इस पर क्लिक करना है और ये 10 है इसको 18 कर देना है, 18, ठीक है, 18 मैंने कर दिया। अब ये जो ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं, ये जो येलो कलर देख पा रहे हैं, इसको बाय डिफॉल्ट येलो ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, पहले में आपको ग्रीन करना है, दूसरे में आपको येलो छोड़ देना है, ठीक है। आप इंडिकेटर को वापस सेक्शन को बंद कर दो और फिर से एक इंडिकेटर करो SMA का, इस पर क्लिक करो। अब पहले अपने क्या किया था, पहले 7 किया था ग्रीन कलर के साथ, दोबारा हमने 18 किया येलो कलर के साथ, तीसरी बार हमें करना है 25, ठीक है। इसको आप 25 करना है, आपको देखना, ध्यान से देखना है, ठीक है। 25 करने के बाद यहाँ पे कलर है, इसको आपको रेड कर देना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप इसके बाद क्या करना है, यानी SMA का जो इंडिकेटर है हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा जब आप SMA को अप्लाई कर दोगे। पहली चीज़ बताना चाहूँगा, देख सकते हैं आप लाइव अकाउंट से मैं आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, वो भी छोटी मोटी नहीं, $100 की। आपका इन्वेस्टमेंट आप कम रखना, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो कम ही रखना। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने इन्वेस्टमेंट का टोटल 1 या 2% से आप ट्रेड लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा इस स्ट्रेटजी की, अगर यहाँ पे आप नहीं विन करते हो, ठीक है, इस स्ट्रेटजी से आप नहीं विन करते हो, एक ट्रेड, दो ट्रेड अगर आप नहीं विन करते हो तो थर्ड ट्रेड आप डेफिनेटली विन करोगे, यानी आपको मार्टिकल पे चलना है। ये स्ट्रेटजी ऐसी है, अगर आप इसमें एक नहीं विन करोगे, दो नहीं, तो तीसरी ट्रेड आप विन करोगे ही करोगे, बशर्ते मार्केट अच्छा होना चाहिए। बाकी आपका जो है मार्केट का ट्रेंड्स का आपको नॉलेज होगा ही। यहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री में मेरी देख पा रहे होंगे, टुडे आज की जो ट्रेड्स हैं काफ़ी अच्छी हैं, कल की 24 सितंबर की जो ट्रेड है वो भी मैंने ठीक ठाक ही ली थी। तो अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक और इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करना है, पैराबोलिक SR जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जाना है इंडिकेटर के सेक्शन पे, पैराबोलिक पे आपको क्लिक कर देना है। ये पैराबोलिक का इंडिकेटर जो है अप्लाई हो गया, इसको बाय डिफॉल्ट रखना है, इसकी सेटिंग्स को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे मेन जो चीज़ आती है जो लोग ध्यान नहीं देते, वो है ग्राफ का जो टाइम होता है। ये जो ग्राफ टाइम है आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 15 सेकंड्स करके रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 1 मिनट करना है,
ठीक है, इतने स्टेप्स आपने कर लिए, अब ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली पैराबोलिक सार और दूसरी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये, ठीक है। अब कैसे काम करती है स्ट्रेटजी, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं हिस्ट्री में और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। ये ग्रीन कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही ये ग्रीन कलर की लाइन येलो कलर की और रेड कलर की लाइन को क्रॉस करती है, जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेगी अगले दो मिनट तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप डायरेक्शन में की है, यहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट में फ्लक्चुएशन जरूर हुआ बट ये दो कैंडल्स ग्रीन की ही बनी, उसके बाद ये जो है वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट कर दिया तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने लग गई। फिर यहां पे वापस अप, यहां पे फिर से नीचे की डायरेक्शन में जो है नीचे की डायरेक्शन में गया तो वापस ये जो है नीचे की डायरेक्शन में मार्केट जाने लग गया। अब अगर करंट की बात करें यहां पे देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की लाइन है, जैसे ही इसने अप की तरफ डायरेक्शन में कट किया तो पूरा मार्केट अप की तरफ जाने लग गया। अब ये देखिए अभी भी मार्केट अप ट्रेंड पे ही है क्योंकि ग्रीन कलर की लाइन है जो है ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंड पे है। लेकिन हमें पैराबोलिक सार की इस स्ट्रेटजी में कैसे हेल्प मिलेगी, ये आप डॉट्स देख पा रहे हैं, अगर ये डॉट्स इस डायरेक्शन में है नीचे से ऊपर की तरफ और अगर आपको एक दो तीन डॉट ऊपर दिख जाते हैं, दो तीन डॉट जैसे आपको ऊपर दिखे और हमारा इंडिकेशन ये भी मिला कि हमें ये जो रेड कलर ग्रीन कलर की लाइन है ये भी नीचे की तरफ जो है कट कर रही है, तो आपको बिना सोचे समझे ये स्ट्रेटजी से नीचे की तरफ ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, करना क्या है आपको, दो इंडिकेशन यानी दो कन्फर्मेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से लेनी है। पहली कन्फर्मेशन कौन सी होगी, ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख पा रहे होंगे आप, ये जैसे ही इन दो लाइंस को कट करेंगी, जैसे ही कट करेगी जिस भी डायरेक्शन में कट करेगी आपको ट्रेड लेनी है दो मिनट की। कितने मिनट की याद रखना फ्रेंड्स, दो मिनट की ट्रेड लेनी है और उसी डायरेक्शन में लेनी है। लेकिन दूसरा कन्फर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा, दूसरा कन्फर्मेशन हमें मिलेगा पैराबोलिक एसआर से। तो पैराबोलिक एसआर अगर आप यहाँ से देखेंगे इस डॉट से अपवर्ड डायरेक्शन को नोटिस कर रहा है, ये कह रहा है कि मार्केट अप रहने वाला है काफ़ी देर तक और अभी हमारी कोई भी कन्फर्मेशन हमें यहाँ से नहीं मिली है इस ग्रीन लाइन से, सिर्फ एक कन्फर्मेशन थी यहाँ पे कि मार्केट अप ट्रेंड पे है। तो अब हम बिना सोचे समझे यहाँ पे दो मिनट की ट्रेड अप डायरेक्शन में लेंगे लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड प्लेस कर ली है अप डायरेक्शन में $100 और जो ट्रेड है $100 की है और दो मिनट का टाइम है, आप चेक कर पा रहे होंगे दो मिनट का यहाँ पे टाइम मैंने जो है सेट किया हुआ है। अब देखिए बेसिकली ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से ये यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली है यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेड कब लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगी, आपको थोड़ा वेट करना है, एक नहीं दो तीन ग्राफ खोल के रखो, ये प्लस का निशान है। अगर आप पीसी में चलाओगे ओलिम ट्रेड तो आप दो तीन एक साथ खोल के रख सकते हो, तो यहाँ पे इस प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो तीन ग्राफ आप एक साथ खोल लोगे और यहाँ पे दो तीन ग्राफ आपको खोल के रखना है। हर एक ग्राफ पे हर एक करेंसी चार्ट पे आपको यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। जैसे ही आपको ये कन्फर्मेशन दिखे कि ग्राफ जो है एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया है, यानी ग्रीन कलर की जो लाइन है इसने हमें इंडिकेट कर दिया है कि अगले कुछ समय तक ग्राफ जो है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वैसे ही आपको जो है ट्रेड प्लेस कर देनी है। कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो है ग्राफ हमें बता रहा है। तो ये देखो ये जो ट्रेड है हल्की सी, शायद हम हार जाएं लेकिन आगे आने वाले टाइम में यानी हमें तीन ट्रेड लेनी है मार्टिगल के स्टेप से और तीनों में से ये देखिए एक पॉइंट का हमें ऊपर कन्फर्मेशन मिला और अब मैंने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दी है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला है इसका और प्लस अगर आप ये देखेंगे ग्रीन कलर का जो चार्ट है ये भी हल्का सा मूवमेंट इसमें भी हुआ है नीचे की डायरेक्शन की तरफ, ये नीचे की डायरेक्शन में जाने की तरफ लग गया है। तो मैंने $100 की ही ट्रेड नीचे की तरफ ले ली है, हालांकि मुझे ज़्यादा की लेनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन जो है मार्केट का, जो सही मेरा मार्टिकल है, मार्टिकल के हिसाब से ये जो ट्रेड है मुझे $200 की लेनी थी एटलीस्ट, बट यहाँ पे मैंने 100 की ले ली थोड़ा सा जल्दी में, बट नो प्रॉब्लम। आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी होता है आपके साथ, अगर एक ट्रेड आप हार जाते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से तो अगली ट्रेड आपको जो लेनी है वो लेनी है मार्टिकल पे, और मार्टिकल आपको पता है किस तरीके से वर्क करता है। मनी मैनेजमेंट प्लान आपको नहीं पता तो चैनल पे आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं। एक बात याद रखना, ये जो स्ट्रेटजी है इसे कॉन्टिन्यूसली आप तीन ट्रेड कभी नहीं हारोगे, दो ट्रेड हार सकते हो कॉन्टिन्यूसली वो गारंटी नहीं है, दो ट्रेड डेफिनेटली आप हार सकते हो, बट जब आती है बात तीसरी ट्रेड की तो एक साथ अगर इस स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे तो आप तीसरी ट्रेड नहीं हारोगे। जैसा कि मुझे कन्फर्मेशन मिला पैराबोलिक सार की तरफ से कि मार्केट
का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे डायरेक्शन, मुझे टाइम नहीं, मैंने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया यहाँ पे करेंसी चेंज करने के लिए, और मैंने जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ट्रेड ले ली। यही इसी तरीके से आपको मार्केट पे वर्क करना है। अब जैसे ही मुझे थोड़ी सी और कन्फर्मेशन मिलती है, अगर मेरा ये ग्रीन कलर का जो लाइन है अगर ये किसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे की डायरेक्शन में जाता है, तो मैं एक और ट्रेड लूँगा, और इस बार ट्रेड लेंगे हम $200 की, ताकि जो हमारा लॉस हुआ था लास्ट टाइम उसको कवर करके एक प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाए। क्योंकि हमारा जो गोल होता है इन दी एंड, हमारा गोल इन दी एंड ये होता है कि हम प्रॉफिट में लैंड करें, ठीक है। हमारा एंड ये, हमारा गोल ये नहीं कि अगर हम एक ट्रेड हार गए तो हम वहाँ पे बंद कर दें, ना। हमारा मतलब ये है ट्रेडिंग करने का कि जब हम ट्रेडिंग को क्लोज करें तो हमारा प्रॉफिट में दिन खत्म होना चाहिए। उसके लिए मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो गाइज यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से आप देख पा रहे होंगे, हम पहली ट्रेड ज़रूर हारें, बट दूसरी ट्रेड में हम बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं, जीत सकते हैं और जीत भी गए हैं दूसरी ट्रेड। लेकिन प्रॉफिट जो हुआ है हमें $82 का हुआ है, यानी अभी भी हम जो $18 है वो लॉस में है। अब ये $18 कवर करके हमें प्रॉफिट लेना है, तो इसलिए मैं ये जो ट्रेड है $200 की लेने वाला हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए, और ज़रा सा मुझे कन्फर्मेशन मिला और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेने वाला हूँ। थोड़ा सा कन्फर्मेशन और मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूँगा। मैं कन्फर्म हूँ कि मुझे लेनी जो है डाउनवर्ड ही लेनी है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर की लाइन हल्का सा मुझे और इंडिकेशन देती है मार्केट की तरफ, यानी अगर वेट करते हैं जस्ट 3 सेकंड का, 3 सेकंड में पता लग जाएगा और ये मैंने ट्रेड ले ली डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड में ट्रेड लेने का क्या यहाँ पे मैंने क्यों ली, ये जो ट्रेड है मैंने नीचे की तरफ ली है और एकदम से ले ली है बिना कुछ सोचे समझे। रीज़न ऊपर देख पा रहे होंगे आप, जो ग्रीन कलर की लाइन है वो येलो कलर की लाइन को कट करने ही वाली है। जैसे ही आपको लगता है कि वो येलो कलर की लाइन को कट करेगी, ये देखिए मार्केटिंग इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हिट करता है कई बार चार्ट को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है 1 मिनट की कैंडल है, बट 35 सेकंड्स बचे हैं अभी और 30 सेकंड्स में बहुत ही ऊपर चली गई है। चांसेस बहुत कम है ट्रेड जीतने की, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं 27 सेकंड्स लेफ्ट हैं और देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है, क्या हम ये ट्रेड जीत पाते हैं या नहीं। बट जहां तक कि मुझे लगता है ये ट्रेड हम जीतेंगे, बाकी चांसेस जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे और हमें, आपको भी पता लग जाएगा और मुझे खुद को भी पता लग जाएगा कि क्या होना है इस ट्रेड पे। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी के पीछे जो आइडिया है डेफिनेटली वो आप समझ गए होंगे कि क्या आइडिया है, किस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी लेनी है। दो कन्फर्मेशन हमेशा आपको फॉलो करनी है, एक पैराबोलिक सार की, और दूसरी जो कन्फर्मेशन है वो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, जैसे ही ये कट करेगी येलो और रेड कलर की लाइन को, आपको मार्केट को उसी डायरेक्शन में रीड करना है और उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिर से रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, हालांकि ये जो ट्रेड है ये शायद माइनस में जा सकती है, बट देखते हैं क्या होता है। 39 सेकंड्स मोर हमारे पास, अभी 39 सेकंड्स और हैं। 2 मिनट की हमने ट्रेड ली थी, हालांकि ये जो ट्रेड है हमने लो ली थी $200 की, तो अगर ये हारते हैं तो हमें नेक्स्ट जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है $500 की। $500 की ट्रेड लेंगे और उम्मीद करेंगे वो डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो यहाँ पे $500 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हम ट्रेड लेने वाले हैं जो भी डायरेक्शन हमें मिलती है उसके हिसाब से। थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए। ये जो देखिए मार्केट काफ़ी नीचे आया था, देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट में अभी फ़िलहाल के टाइम पे, बट देखिए 1 मिनट के ग्राफ में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जनरली देखने को नहीं मिलते। ये जो ट्रेड है हम हार चुके हैं, चेक कर पा रहे होंगे आप। अब जो है नेक्स्ट ट्रेड हम लेने वाले हैं, यानी अभी देखा जाए तो अभी हम $218 के लॉस में हैं। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, और अगली ट्रेड फिर भी मैं ये जो ट्रेड है नेक्स्ट वाले वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से 2 ट्रेड कंटिन्यूअसली हम नहीं हारेंगे, अगर हार जाते हैं तो तीसरी तो कंटिन्यूअसली नहीं हारने वाले इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। बट आपको 3 स्टेप मार्टिकल तक फॉलो करना है ये स्ट्रेटजी, इतने दिमाग में आपको बात रखनी है, 3 स्टेप्स मार्टिकल तक फॉलो करना है। कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट तब तक नहीं बनती जब तक आप उसमें अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। डेफिनेटली स्ट्रेटजी वर्क करेगी बट 3 स्टेप्स तक आपको जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप फॉर श्योर आप रट के रख लो, दिमाग में रख लो कि 3 स्टेप्स तक आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप 2 स्टेप्स पे मत हार जाना यार कि भाई 2 स्टेप तो मैं हार ही गया हूँ तीसरा भी हारूंगा, ना। 3 स्टेप तक जाना है, मैंने ट्रेड ले ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ट्रेड है 2 मिनट्स की, इन्वेस्टमेंट है $500, और मैंने ट्रेड क्यों ली है यहाँ पे बहुत ही क्लियर रीज़न है।
येलो कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे होंगे। ग्रीन कलर की लाइन ने कट कर दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है $500 की। लाइव अकाउंट है, आप चेक कर पा रहे हैं, लाइव अकाउंट में हमने ट्रेड ली है। प्रॉफिट होगा $910 का अगर हम ये ट्रेड जीतते हैं तो, और अगर हारते हैं तो हमारा काफ़ी लॉस हो जाएगा 500 और 200 यानी $700 का। बट उम्मीद है कि ये ट्रेड डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो कन्फर्मेशन है, पैराबोलिक सार को चेक कर लो, चाहे आप ग्रीन कलर की जो लाइन है, ये जो येलो और रेड कलर की लाइन को जिस डायरेक्शन में कट कर रही है उसको चेक कर लो, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये जो ट्रेड है हमें जीतनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, मार्केटिंग किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे इस ट्रेड पे, इस मार्केट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो चेक करेंगे। बट फिलहाल जो है ये जो ट्रेड है अभी फ़िलहाल की टाइम पे ठीक ही चल रही है, हमारी हक में है, हम जीत सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ज़रूर, मैं दो स्टेप तक तो मैं ट्रेड ले चुका हूँ, मैं नहीं जीता हूँ तो मैं तीसरे स्टेप तक जाऊँगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको तीन स्टेप तक एटलीस्ट वेट करना है। आपको ये देखना है कि भाई मार्केट जो है तीन स्टेप तक आपको जिता देगा, ये स्ट्रेटजी जिता देगा, थोड़ा सा भरोसा रखना भाई स्ट्रेटजी पे और डेफिनेटली आप यहाँ से पक्का जीतने वाले हो। अब चेक कर पा रहे होंगे यार यहाँ पे ये जो ट्रेड है हम जीत चुके हैं, तो अब ये वाली ट्रेड आप देख पा रहे होंगे $901 की हम जीत चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों लाइव अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं $1977, जो कि स्टार्टिंग में 600 था, तो इन दी एंड सेशन के मैंने यहाँ पे $300 का प्रॉफिट ले लिया है। और यहाँ पे हम सेशन करेंगे क्लोज, यहाँ पे हम सेशन क्लोज करने वाले हैं। रीज़न आपको पता ही लग गया होगा क्यों यहाँ पे हम बंद करेंगे सेशन को, इतना प्रॉफिट एक दिन में बहुत है। स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क करेगी डेफिनेटली आपको समझ आ ही गया होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। दो ट्रेड अगर आप नहीं जीते तो तीसरी ज़रूर जीतोगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप दो क्या, आप एक भी ट्रेड यहां से नहीं हारोगे। उम्मीद करता हूं यार वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर दिया होगा, चैनल पे सब्सक्राइब वाले बटन को हिट जरूर कर दिया होगा। वीडियो ज्यादा पसंद आई तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना यार। उम्मीद करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक जो है ओलिम ट्रेड को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक नीचे मिलेगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।